खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से है, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष पन्ना श्रीमती मीना राजे परमार के द्वारा पूरे जिले के उप यंत्रियों इंजीनियरों के तबादले किए गए। 10 वर्ष से अधिक समय में एक ही जनपद में पदस्थ उप यंत्रियों के एक जनपद से दूसरे जनपद में तबादले किए गए हैं। कई उप यंत्रियों के विरुद्ध एक जनपद में लंबे समय से पदस्थ होने के कारण लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मीना राजे परमार ने लंबे समय से मिल रही उप यंत्रियों की शिकायतों पर तीनों विधानसभा के विधायक और पंचायत मंत्री से बात कर एक सालों से एक ही स्थान पर पदस्थ उप यंत्रियों को जनपद के बाहर अन्य जनपदों में सेक्टर आवंटित किए गए तथा जिला पंचायत पन्ना के अंतर्गत प्रगतिरत सभी कार्यों को समय सीमा में पूरा करना है, जिस हेतु उप यंत्रियों को कार्यों की सतत निगरानी किए जाने के निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, क्षेत्र में भ्रमण के दौरान हम जाते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि मिलते हैं, सभी सरपंच लोग, और कई बार पत्रकारों के माध्यम से भी हमने, मतलब कभी लिखित में भी हमको मिली है, कभी अखबारों में भी हमने पढ़ा है, या कभी स्वयं पत्रकारों ने हमें अवगत कराया है कि क्षेत्र में क्या सारे जिले में किस तरह से अव्यवस्था कह सकते हैं, मतलब अतिक्रमण टाइप का हो गया था पत्र उप यंत्रियों का, क्योंकि काफी समय से एक ही सेक्टर में और एक ही जनपद में रुके हुए थे। ऐसा लगता था कि वो सिर्फ उन्हीं के आधिपत्य में हो गया है पंचायत का क्षेत्र। ये जब से हम जिला पंचायत अध्यक्ष बने तभी से हम इस तरह की अव्यवस्था देख रहे थे। हमने अपने मंत्री जी, माननीय जो पंचायत मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी से भी बात की इस बारे में, और हमने अपने जिले के सभी सम्माननीय विधायकों से भी बात की कि आप लोग हमें सहयोग करें और आप लोग किसी भी तरह का अड़ंगा ना लगाएं इसमें, हम ये कार्रवाई करना चाहते हैं। तो हमें सभी तीनों अपने सम्मानीय विधायकों का भी हमें साथ मिला, सबके साथ से हम इस तरह का निर्णय ले पाए, और हमने सभी अपने जिले के उपयंत्रियों को एक जन जो काफी लंबे समय से एक ही जनपद में थे, 10 साल से ज्यादा समय से एक ही जनपद में थे, उनको जनपदों से एक जनपद से दूसरे जनपद में भेजा गया है, और जो एक ही सेक्टर में काफी, मतलब 3 साल उनके एक सेक्टर में हो गए थे, उनका सेक्टर बदला है, जो रोजगार सहायक 8-8, 10-10 साल से बिल्कुल हो सकता है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और किसी की भी मनमानी नहीं चल सकती, इसमें कड़े निर्णय हमेशा लिए जाते हैं और लिए जाते रहेंगे, फिर चाहे वो कोई भी हो। अगर किसी की भी इस तरह से हम अव्यवस्था, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में क्यों रखा जाता है रोजगार सहायक को, कि वो एक ही उसी ग्राम का होता है और हमारे ग्रामवासियों के बारे में अच्छे से परिचित होता है कि उनकी स्थिति क्या है, क्या वो सच में बीपीएल के पात्र हैं, क्या उनको खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, या जो भी हमारी सरकार के द्वारा जितनी सारी योजनाएं चल रही हैं और उनका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें हम, मतलब 100% कहना चाहिए कि इसमें गलती अगर किसी की होती है तो रोजगार सहायक की होती है, क्योंकि वो उसी गाँव का बेटा है, तो उसको अपने गाँव के लोगों के हित के बारे में जरूर सोचना चाहिए। इस तरह की जब शिकायतें हमें मिलती हैं तो बहुत दुख होता है, और बहुत जल्द ये विश्वास भी हम आप लोगों को दिलाते हैं, हम अपने ग्रामीण भाइयों को भी दिलाते हैं कि बहुत जल्द इस तरह का निर्णय लिया जाएगा जिससे रोजगार सहायकों का ट्रांसफर भी कर पाए। पन्ना मध्य प्रदेश से सुरेंद्र सिंह परिहार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।